नमस्कार, मैं रुपेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम संडे को यानी कि रविवार को 28 नवंबर 2021 को हो गया है और आज हम इस वीडियो में मैथ से संबंधित सवाल हल करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब और लाइक कर लें। आज हम मैथ से टॉपिक सवाल देखेंगे, मैथ से का आंसर सॉल्व कराऊंगा। जितने भी मंडी निरीक्षक से पूछे गए हैं इनका सोल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। मैं सभी का प्रश्न जैसे जीके का क्वेश्चन हो गया, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन हो गया, भारत का सामान्य अध्ययन हो गया, हिंदी से पूछे जाने वाले प्रश्न हो गए, कंप्यूटर से पूछे जाने वाले प्रश्न, यह सब कल बताऊँगा दोस्तों। चलिए आज मैथ से पूछे जाने वाले प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, यदि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। प्रश्न में कहा गया है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालना होगा, तो इसका आंसर बी आएगा 50%। कैसा आएगा सॉल्व करते हैं। इसके लिए फार्मूला हो जाता है x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100। चलिए अब मान रख लेते हैं x का मान कितना है, 60 दिया गया है और y का मान 40 दिया गया है। नीचे में भी आ जाएगा y का मान 40 इंटू 100, ठीक है। अब 60 में 40 घटाएंगे कितना जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 20 बटे 40 हो गया इंटू 100 हो गया। अब 20 को 40 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 20 से कम 20 और 20 दूनी 40, नीचे में 2 आ गया। 2 को 100 से काटेंगे कितना जाएगा, 50 बार में 2 पंच इसे काटें 2 पंचे 10 और 0 का 0 यानी कि 50, तो इसका आंसर कौन सा आएगा 50% आएगा। यदि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो इसका लाभ प्रतिशत 50% होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पी 6000 रुपये का क्रय की गई वस्तु को 30% लाभ लेकर क्यू को बेच देता है और उस वस्तु के सजावट पर 200 रुपये खर्च कर देता है। क्यू उस वस्तु को 40% लेकर आर को बेच देता है, आर उसे 10% हानि उठाकर एस को बेच देता है, तब एस को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, सी वाला आंसर आ जाएगा 10,080 रुपये। कैसा आएगा तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि पी 6000 रुपये में क्रय की गई वस्तु को 30% लाभ लेकर क्यू को बेच देता है। 6000 रुपये में कितने को क्यू को कितना बेच रहा है, 30% में बेच रहा है, तो 6000 गुणित 130 बटे 100 हो जाएगा। कैसे होगा, 30% मतलब 130%, ठीक है। अब इसमें का नीचे का 20 और ऊपर का 20 कैंसिल हो जाएगा, फिर 60 गुणित 130 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 को 130 से गुणा करेंगे तो 7800 रुपये हो जाएगा। 7800 रुपये हो गया, तब उस वस्तु के लिए सजावट के लिए 200 रुपये खर्च कर दिया गया है। अब 200 रुपये खर्च कर दिया तो कितना हो जाएगा, 7800 में 200 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। अब 8000 में उस वस्तु को 40% लाभ लेकर आर को बेच देता है। अब 40% लाभ लेकर बेच रहा है, तब 8000 से गुणा करेंगे किससे, 40% लाभ से, 40% लाभ मतलब 140 बटे 100, तो 8000 गुणित 140 बटे 100 हो जाएगा। अब नीचे का 20 और ऊपर का 20 कैंसिल हो जाएगा, अब उससे क्या करेंगे, 80 गुणित 140 करेंगे। अब 80 गुणित 140 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 को 140 से गुणा करेंगे तो 11200 रुपये आ जाएगा। प्रश्न में कहा गया है, ध्यान से देखो, प्रश्न में कहा गया है आज उसे 10% हानि उठाकर, कितना परसेंट हानि उठाया, 10%, है ना, 10% हानि उठाकर एस को बेच देता है, तब हानि के लिए परसेंट हो जाएगा, कितना परसेंट होगा, 10% हानि हो रहा है ना, तो 100 में 10 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 11200 गुणित 90 बटे 100 करेंगे, ठीक है। अब नीचे का 20 कट जाएगा और ऊपर का 20 कट जाएगा, अब 112 गुणित 90 बचा है, अब 112 गुणित 90 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 10,080 रुपये आ जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है, यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम, यहीं पर बच्चे फंसेंगे, 12 के 2 गुणजों वो लगे हैं ना, तो यहाँ पर फंस सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखना। आपको इसके लिए एक फार्मूला बता देता हूँ, लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। इसको ऐसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, 12 गुणित 156 बटे 132 करेंगे, अब 12 से 132 को काटेंगे तो 12 से काटेंगे कितना बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा। कैसे जाएगा, 12 कम 12 एक हासिल बचा, एक उधर चला जाएगा तो 12 हो जाएगा, फिर 12 कम 12, ठीक है, तो यहाँ पर 11 हो गया। अब 11 से 1056 को काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, सबसे पहले काट के देख लेते हैं, ठीक है, 11 से 11 निया 99, बाकी 6 बचा, फिर 6 से 11 छक्का 66 यानी कि 96, इसका आंसर आ जाएगा 96, तो इसका ऑप्शन कौन सा में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, तो इसका आंसर 96 हो जाएगा। पहली संख्या तो दिया गया है, पहली संख्या 132 है, दूसरी संख्या पूछा गया है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 96 हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर अंडर रूट 3/2 हो तो अंडर रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x माइनस अंडर रूट 1 माइनस x, तो इसका मान क्या होगा यह पूछा गया है। तो इसका मान हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडर रूट 3 आएगा। तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा और बहुत ही लंबा जाएगा, तो इतना समय नहीं है बताने का, है ना। जो समझ में नहीं आ रहा उसे कमेंट में ज़रूर पूछे। अगला प्रश्न है, एक सम चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 75% है। इस सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, मान लो एक सम चतुर्भुज है, ठीक है, उसकी लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 75% है। 75% का मतलब होता है 75/100। इस सम चतुर्भुज का छोटे विकर्ण का कितना गुना है, यह क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। हम जानते हैं कि एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 × d1 × d2। d1 बराबर कितना हो जाएगा, d1 बराबर हो जाएगा d2 × 75%, है ना। या हम कैसे कर सकते हैं, d1/d2 निकालने के लिए बोलेगा, तब क्या करेंगे, d1/d2। तो d1/d2 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट हम बनाए थे d1 बराबर d2 × 75% दिया गया है, तो 75% या 75/100 इसको काटेंगे तो कितना है, 25 × 75 और 25 × 100, यानी कि 3/4। तो d1/d2 = 3/4 हो जाएगा। अब मान रख लेते हैं, तो एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो 1/2 × d1 का मान कितना है, 3, और d2 का मान 4 है, तो 3 × 4 हो जाएगा। तो सबको कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 4 को काटेंगे कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 + 2 और 2 × 4, अब 3 × 6, तो इसके इसका मान 6 आ गया है। अब पूछा गया है कि इस सम चतुर्भुज क्षेत्रफल के छोटे विकर्ण का छोटे वर्ग का कितना गुना होगा, छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा, यह क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे। क्षेत्रफल बराबर होता है छोटे का वर्ग गुना कितना गुना, है ना। तो क्षेत्रफल कितने दिया, हमारा क्षेत्रफल आया था 6, और छोटे का वर्ग मतलब हो गया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे और कितना गुना पूछा गया है, तो इसके जगह हम x मान लेंगे, ठीक है। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग मतलब 9 हो गया, और इंटू x माने थे उसको वाला, अब इधर ला लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। अब 6/9 को काटेंगे कितना बार में जाएगा, छोटे रूप में लिख लेते हैं, तो 3 × 6 और 3 × 9, तो 2/3, x बराबर 2/3, तो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए वाला में, तो 2/3 हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बताओ सर ऐसा करके, मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा। कल के वीडियो में देखेंगे हिंदी से पूछा गया प्रश्न और कंप्यूटर से पूछा गया प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।